हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है बीएससी और एमएससी दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और गाइस, ये जो टॉपिक है मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में आता है और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है, और वीडियो को एक भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, डी ब्रॉग्ली की परिकल्पना ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर एटम का एक नया मॉडल सन 1920 में के आसपास प्रस्तावित किया गया। ठीक है, एटम का एक नया मॉडल जो है दिया गया था 1920 में। अब आगे क्या कह रहा है, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल कहते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स का ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो टॉपिक है, इससे पहले आपको क्या कर लेना है, जो क्वांटम मैकेनिक्स का मैंने अभी पिछली बार जो वीडियो बनाया है उसे आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। ठीक है, और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना ली है फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, तो उससे आपको आसानी से जो वीडियोस ढूंढने में हेल्प होगी। ठीक है, तो वो वीडियो देखकर आइएगा, उसके बाद में आप ये वीडियो देखिएगा तो काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या कह रहा है, इसे जिसे क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में घूमता हुआ न मानकर किसी विशेष स्थान में पाए जाने की प्रायिकता पर बल दिया गया है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। इसमें क्या कह रहा है कि देखिए, जो पहले क्या कहा जा रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिटल में ऐसे घूमते रहते, मतलब कि ऐसे 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 बहुत सारी जगहों में ऐसे लगातार घूमते रहते। ठीक है, तो उसे ऐसा घूमता हुआ न मानकर क्या कहा गया है इस जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, कि यहाँ ऐसे बहुत सारे घूमते हुए न होकर, मतलब कि आसपास ऐसे घूमता हुआ न मानकर एक विशेष स्थान पर इसे पाए जाएंगे प्रायिकता पर बल दिया गया है। ठीक है, प्रायिकता की यहाँ पे ये जो है एटम में हो सकते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रायिकता है हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब कि इस तरह से प्रायिकता पर बल दिया गया है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। किसी एटम में नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉनों के जो तरंग गुणों का समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, जिसे श्रोडिंगर की तरंग समीकरण या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में आपको, काफ़ी इजी है इसमें। इसमें आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, कि देखिए किसी जो इलेक्ट्रॉन होते उसे चारों घूमता हुआ न मानकर, मतलब ऑर्बिटल में घूमता हुआ न मानकर एक विशेष स्थान में पाए जाने की प्रायिकता पर बल दिया गया है। प्रायिकता यानी हो भी सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है इसमें। अब जो है हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो समीकरण देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उस जो समीकरण है, तो उसमें देखिए ये है श्रोडिंगर वेव समीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेल स्क्वायर साई बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच टू। ठीक है, में ई माइनस वी जाई बराबर 0। ठीक है, इस तरह से इसका इक्वेशन दिया गया है। ये इक्वेशन को आपको याद कर लेना है। यहाँ पे हम इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या क्या यूज़ हो रही है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो एक्स वाई और जेड है वो निर्देशांक है। ठीक है, स्पेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें जो एम है वो है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर जो एच है वो प्लांक स्थिरांक है। ठीक है, प्लांक कॉन्स्टेंट। ई जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है एंड टोटल एनर्जी। और जो इसमें म्यू है वो स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें जो जाई है उसे हम तरंग फलन कहते हैं। ठीक है, जाई हमेशा तरंग फलन का चिन्ह होता है। ठीक है, अब डेरिवेशन देख लेंगे इसका क्या कह रहे हैं। तो एक एक स्टेप आपको काफ़ी अच्छे से याद करनी है। ठीक है, और मैं कह रही हूँ आपको, इसे आप समझेंगे, अगर आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको इसे रट ही लेना है। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप इसे रट लेंगे ना तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इतनी सारी चीज़ें समझने के लायक नहीं होती। तो मैंने काफ़ी ईजी तरीके से समझाया है आपको, आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको रट ही लेना है इसे। ठीक है, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियम एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। फिर इसमें क्या है, जो इसका समीकरण है 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस वी, इसका जो है फर्स्ट समीकरण है। इसमें एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट और ये वी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है इसमें। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। फिर इसमें दिया गया है गतिज ऊर्जा
काइनेटिक एनर्जी को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, फिर 1/2 mv² बराबर 1/2 m.mv² m, और इस तरह से दिया गया है, ठीक है। हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा, 1/2 mv² m, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब कि इतना सारा लिखकर हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 mv², इसमें mv² 2m, ठीक है। ये कैसे आया आपको आया समझ में, यहाँ से ये लिख लेंगे इतना, ठीक है। फिर mv² लिख लेंगे, और जो इसमें 2m है, ये जो 2m है, 2m को लिखकर हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इतना सारा लिखकर ना हम इसमें शॉर्ट में 2m लिख देंगे, ठीक है यहाँ पे। फिर आगे है, इसको समीकरण 2 लिख दे कह देंगे, ठीक है। फिर mv के वैल्यू को डी ब्रॉगली समीकरण mv बराबर h/λ से प्रतिस्थापित करने पर निम्न समीकरण प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए सेम यहाँ पे ऐसे जैसे कि वैसे उतार दिया हमने, और इसमें mv की वैल्यू रखनी है, मतलब mv की वैल्यू में हमें h/δ रखना है। तो हमने mv के बराबर इसमें ये लिख दिया, ठीक है, और जो सेम ऐसे उतार दिया, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैंने याद किया था मैंने वैसे ही समझा रही हूँ आपको, ठीक है। फिर बताया फिर इसको सेम ऐसे उतारेंगे, ठीक है। फिर इसमें जो नीचे चला जाएगा, जो डेल है ये नीचे चला जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, h², ठीक है, और ये 2λ² हो जाएगा नीचे भी, ठीक है, और m, ठीक है। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 कह देंगे। फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अभी जो हमने समीकरण देखा था, ठीक है, तो उसको कैसे करना है, देखिए फिर इसमें e बराबर हम h², जैसे कि हमने यहाँ पर लास्ट में आपने देखा होगा, ये जो समीकरण है हमारा 1/2 mv² + v, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे वो देख लेंगे अभी। तो देखिए ये इस तरह से e आ जाएगा, e बराबर फिर h² जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, फिर ठीक है, फिर 2λ² m और ये भी, ठीक है। अब आगे देख लेंगे, फिर देखिए ये जो है आपस में सामने आ जाएगा, ई भी सामने, ई माइनस भी सामने आ जाएगा, फिर बराबर फिर सेम जैसे कि वैसे उतार देना है आपको, ठीक है। फिर जो है λ² बराबर h² और फिर यहाँ पे यहाँ से आगे हट के यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, और ये h² हो गया। फिर 2m लिख देंगे हम यहाँ से ये, और जो ई भी है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, नीचे साइड में आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 5 कर देंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है कोई इलेक्ट्रॉन जो तरंग गति में घूमता है, इसके लिए एक्स दिशा में तरंग गति समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, तो ठीक है। जैसे कि अभी हमने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखा था, तो उसमें तीनों इसके लिए था, ठीक है, एक्स वाई जेड के लिए था। तो हम अभी क्या कह रहे हैं, सिर्फ एक्स के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, δ² ψ/δ² वो तीनों मतलब कि एक्स वाई जेड के लिए था, इसलिए वो एट यहाँ पे एट आ गया था, लेकिन हाँ अभी हम सिर्फ एक्स के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4π² ψ/λ² = 0, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या कह रहे हैं, समीकरण पाँच से δ² की वैल्यू समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं समीकरण 5 क्या था, तो देखिए समीकरण जो 5 है वो इस तरह से दिया गया है, ठीक है, λ² = h² 2m और e-v, ठीक है। तो इसको हम आगे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, तो इसका जो मान है वो 6 में कैसे रखेंगे, तो देखिए ये इस तरह से यहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है, और इसमें 2m आ जाएगा, और ये h² और e-v = 0, इस तरह से आ जाएगा। ये कैसे आया है आपको, जब हम समीकरण 5 से डेल का मान वैल्यू समीकरण 6 में रखेंगे तब ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या कह रहा है, इसमें सेम उतार देंगे हम इसमें, फिर 4π² / 2m साई को हटा देंगे यहाँ से, और ये 2m आ जाएगा, और फिर सेम यहाँ से h² यहाँ पे आ गया, फिर सेम लिख देंगे, और ये जो है साई जो है हमारा यहाँ पे आकर आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए आगे सेम उतार देंगे इसे, फिर यहाँ तक जो आ गया ये हमें किस चीज़ का मान मिल गया, ये एक्स के लिए मान मिल गया, ठीक है। अब इसके लिए जो है एक्स का तो मान मिल गया हमें, लेकिन अभी वाई और जेड के लिए निकालना है, तो उसके लिए हमें
इस तरह से इसका श्रोडिंगर इक्वेशन है वो इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है, 8 8 पाई स्क्वायर m बटे एच स्क्वायर और e माइनस वी जाई बराबर ज़ीरो, ठीक है। इस तरह से ये जो है हमारा मान निकल के आ गया है। तो तीनों अक्षों के लिए x, y, z के लिए, तो अगर हमें देखिए हमने अभी किस चीज़ का निकाला था, x के लिए निकाला था, अगर मतलब कि आपको तो इसी तरह से आएगा, अगर आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसी तरह से आता है, लेकिन मान लीजिए अगर कभी आपको y के लिए निकालना है तो सेम यही प्रोसेस रहेगी, z के लिए निकालना है तो यही प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, तीनों अक्षों x, y, z के लिए ये समीकरण सेम यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का समीकरण है, ठीक है, काफ़ी ईजी है गाइस, है ना। अगर आपने देखा ना स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ चीज़ें का ध्यान रखते हुए इस समीकरण को कम्प्लीट करना है, तो काफ़ी इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस पे ही सब कुछ है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको, तो ये आपको याद भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आने लगेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये नोट जो नोट्स है जरूर समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें इस सारे जो फिजिकल केमिस्ट्री के मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगी उसमें सब ऐड कर दूँगी मैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। और अगर किसी को MSc फर्स्ट टर्म के नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो फिर मैं आपको इंस्टाग्राम पर लिंक शेयर कर दिया करूँगी, ठीक है। थैंक यू।